गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। तो चलिए आज हम 29 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप हरियाणा के करंट अफेयर्स, हरियाणा के प्रसिद्ध स्थल, हरियाणा के जिले, हरियाणा की ट्रिक्स, यानी कि हरियाणा से रिलेटेड जो भी जानकारी है, कंप्लीट जानकारी आप हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको PDF, वीडियो, ब्लॉग्स और ऐप के थ्रू हरियाणा जीके मिल जाएगी। आपको जो भी माध्यम अच्छा लगे आप उसके थ्रू यहाँ पर हरियाणा जीके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अम्बाला एयरबेस पर राफेल की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रंस को। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रंस ने करगिल के युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी। सन 1999 के करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफ़ेद सागर के समय यह स्क्वाड्रंस भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात थी। इस स्क्वाड्रंस की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1951 को की गई थी। तब पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ विंग कमांडर थे और इसी स्क्वाड्रंस के कमांडिंग ऑफिसर भी थे। 27 मई 1999 को स्क्वाड्रंस के लीडर अजय आहूजा मिशन पर थे जब एक स्टिंग मिसाइल ने उनके विमान को निशाना बनाया था। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा विमान से इजेक्ट कर गए थे मगर वह शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस घटना के बाद स्क्वाड्रंस के पायलटों ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके ठिकानों पर बम बरसाए थे, जिसमें विंग कमांडर BS धनोआ भी शामिल थे। करगिल के इस युद्ध में अदम्य प्रदर्शन करने के लिए विंग कमांडर BS धनोआ को युद्ध सेवा मेडल दिया गया था। 27 जुलाई सन 1979 को जगुआर फाइटर्स प्लेन की पहली खेप ब्रिटेन से सीधे अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची थी। राफेल की पहली खेप भी 27 जुलाई को अम्बाला के एयरबेस स्टेशन पर आनी थी, लेकिन मौसम व तकनीकी कारणों के चलते यह खेप 29 जुलाई को आएगी। 29 जुलाई को 4 से 6 राफेल अम्बाला के एयरबेस पर लैंड करेंगे। अम्बाला एयरपोर्ट स्टेशन बेस पर राफेल के लिए हैंगर के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले के सिविल अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पानीपत के सिविल अस्पताल में। पानीपत में 200 बेड के सिविल अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है, जिस पर 42 करोड़ रुपए की लागत आई है। डिप्टी MS डॉक्टर अमित पोरिया ने बताया है कि इस प्लांट के जरिए प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाए जाने की योजना है। इसे चलाने का लाइसेंस भी मिल चुका है। ट्रायल के तौर पर कंपनी से 200 लीटर ऑक्सीजन का टैंकर मंगवाकर इसका ट्रायल भी लिया जा चुका है, जो कि पूर्णतः सफल रहा है। इस प्लांट के बनने के बाद अब मैन पावर की बचत होगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 की कितनी फसलों का प्रति एकड़ के हिसाब से तय करने का फैसला किया है? तो ये किया है 4 फसलों का। सभी किसानों का बीमा कवरेज केंद्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज करवाना जरूरी है। हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 की 4 फसलों धान, कपास, मक्का और बाजरे का प्रति एकड़ प्रीमियम और बीमा ग्राम पंचायत के हिसाब से तय करेगी। प्रीमियम राशि केवल NCIP के भुगतान गेटवे पे गवर्नमेंट से ही भेजनी होगी। सभी किसानों का आधार नंबर यहां पर अनिवार्य होगा। हाल ही में किसके चुनाव में मतदान करने से पहले अपना नाम विधानसभा क्षेत्र की सूची में डालना अनिवार्य होगा? तो ये होगा नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव में। अगर किसी व्यक्ति ने नगर निगम या नगर परिषद के चुनाव में मतदान करना है तो उसे अपना नाम पहले विधानसभा क्षेत्र की सूची में डालना अनिवार्य होगा। हाल ही में किस ऐप के द्वारा टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ये दी जाएगी दीक्षा ऐप के द्वारा। इस ऐप के द्वारा पहले से भी अधिक बेहतर तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। यह ट्रेनिंग इस ऐप के द्वारा 27 जुलाई से शुरू की जा रही है। हाल ही में दीपक हुड्डा को किस जिले के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रोहतक जिले के अध्यक्ष के रूप में। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र कुटानी ने रोहतक जिला अध्यक्ष पद पर डोब गांव के युवा नेता दीपक हुड्डा को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य की तर्ज पर अब हरियाणा के निजी स्कूल भी पेरेंट्स से पूरी फीस वसूल करेंगे? तो ये करेंगे पंजाब जिले के। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस वसूलने की इजाज़त दे दी है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले
मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक अभी के अभी ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करने के बाद उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं को मिल्क पाउडर दी जाने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है पोषाहार योजना के तहत। पोषाहार कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 1 से 6 साल तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क पाउडर अर्थात सूखा दूध दिए जाने की योजना बनाई गई है। अब इन्हें रोजाना 20 ग्राम मिल्क पाउडर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते गर्भवती महिलाएं और बच्चे पौष्टिक आहार से कुपोषण के शिकार ना हो जाएं, इसीलिए यह योजना शुरू की गई है। हरियाणा के किन दो जिलों के बीच मेट्रो रेल शुरू की जाएंगी? तो ये शुरू की जाएंगी फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक नगरी के लिए 2015 में सबसे पहले इस बड़ी परियोजना की घोषणा की थी। अब 5 साल बाद इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इस रूट में 8 मेट्रो स्टेशन होंगे, 2 मेट्रो रेल स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे और 6 एलिवेटेड लाइन डलेंगी। सोनीपत के कितने गांव में आरओ प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा 26 गांव के अंदर। एक आरओ प्लांट से 1 घंटे में करीब 2000 लीटर पानी तैयार हो सकेगा। पूरे दिन में करीब 48,000 लीटर पानी तैयार किया जाएगा। इसके लिए विभाग के द्वारा सभी गाँव में ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे। विभाग के द्वारा क्षेत्र के 26 गांव में आरओ प्लांट लगवाने का काम शुरू किया गया है। ट्यूबवेल के द्वारा प्लांट में पानी की सप्लाई दी जाएगी। आरओ प्लांट से पेयजल लेने के लिए ग्रामीण को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। इन स्मार्ट कार्डों को आरओ प्लांट के बाहर लगी मशीनों में स्वाइप करके जरूरत के अनुसार पानी प्राप्त किया जा सकेगा। शुरुआती 3 महीने तक ग्रामीणों को फ्री पेयजल मिलेगा। प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी फ्री दिया जाएगा। एक प्लांट पर करीब 13.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। गांव रूकी, चतेहरा, गढ़वाल, खानपुर खुर्द, चिड़ाना, बरोदा आदि के अंदर यह प्लांट लगाए जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा सरकार के द्वारा नागरिक अस्पताल सहित नज़दीकी ब्लड बैंक में किस ब्लड ग्रुप की कितनी यूनिट हैं, इस बात का पता करने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है ई रक्तकोष ऐप की। नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक अस्पताल सहित नज़दीकी ब्लड बैंक में कितने ब्लड ग्रुप यूनिट हैं, यह जानना अब बेहद आसान हो गया है। अब आप गूगल प्ले स्टोर पर ई रक्तकोष ऐप को डाउनलोड करके यह जानकारी आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग की जगह स्टेट हाईवे बनाया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपको राइट ऑप्शन जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट haryanadistrict.com पर लॉगिन करना बिल्कुल मत भूलिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों कल जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।